वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंगन और आलू करी कैसे बनाएं केरला स्टाइल में। तो पहले तो इंग्रेडिएंट, इसके लिए आपको चाहिए ऑयल 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड चाहिए आपको 1 टीस्पून, कुछ आपको चाहिए करी लीफ, 2 चाहिए आपको ग्रीन चिली, और जो आपका ग्रीन चिली है उसको आप बीच में से काट लें और थोड़ा छोटा छोटा और काट लें। टर्मरिक पाउडर चाहिए आपको 1 टीस्पून, सॉल्ट अपने हिसाब से डाल लें, 3 आपको चाहिए ऑनियन मीडियम और उनको स्लाइस कर लें, 2 पीसेस चाहिए आपको गार्लिक के वो चॉप्ड कर लें, आप छोटे छोटे काट लें, ओबरजीन आप काट लें अपने स्क्वायर पीसेस में, 1 मीडियम आलू काट लें आप स्क्वायर पीसेस में, 1 टमाटर चॉप्ड कर लें आप, चिली पाउडर चाहिए आपको 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर चाहिए आपको 1 टेबल स्पून, गरम मसाला चाहिए आपको 1 टीस्पून, वाटर चाहिए आपको 1/2 कप, और आपको चाहिए कोकोनट मिल्क 1 कप। तो ये आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। नाउ इसको हम कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए पहले आप अपना जो तेल है वो गरम कर लें पैन में। जब आपका तेल गर्म हो जाए उसके अंदर आप मस्टर्ड डाल दें। तो जैसे ही आप मस्टर्ड डालेंगे वो क्रैक होएगा, अगर क्रैक नहीं होता है तो वेट करें जब तक वो क्रैक हो। जब आपका मस्टर्ड क्रैक हो जाए करी लीफ डाल दें इसके अंदर, और करी लीफ को आप ना ब्राउन या ब्लैक होने दें। जब आपका करी लीफ ब्राउन और ब्लैक हो जाए इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दें, ऑनियन डाल दें और गार्लिक डाल दें, और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए हिलाएं। तो आपका थोड़ा बहुत ऑनियन जो है वो ब्राउन हो जाएगा। जब आपका थोड़ा बहुत ऑनियन ब्राउन हो जाए इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डाल दें और सॉल्ट डाल दें, और फिर इसको दोबारा से 2-3 मिनट के लिए हिलाएं। अभी आपका ज़्यादा ऑनियन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर बैंगन और आलू डाल दें और फिर इसको हिलाएं 2-3 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसके ऊपर आप लिड रख दें 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट के बाद आप लिड को हटा दें और 2 मिनट के लिए इसको चलाएं। दोबारा इसके ऊपर लिड रख दें फिर 3 मिनट के लिए, और फिर दोबारा इसको खोलें 2 मिनट के लिए। ये जो प्रोसेस है आपको रिपीट करना पड़ेगा, जितनी बार भी रिपीट करना हो करें। ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करें जब तक कि आपका जो ओबरजीन है वो ब्राउन ना हो जाए। और प्रोसेस क्या है, लिड को रखें 3 मिनट के लिए, लिड को हटाएँ, उसको फिर चलाएँ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, और फिर दोबारा लिड रख दें 3 मिनट के लिए। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। जब आपका ओबरजीन ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर टमाटर डाल दें, और टमाटर डालने के बाद फिर इसको 2-3 मिनट के लिए हिलाएं।
इसके बाद इसके अंदर आप चिली पाउडर डाल दें, कोरिएंडर पाउडर डाल दें, गरम मसाला डाल दें और फिर इसको चलाएं 2-3 मिनट के लिए। और जब इसको 2-3 मिनट के लिए आप चला दें तो लिड इसके ऊपर रख दें 3 मिनट के लिए। और फिर आप लिड को खोलें और इसको फिर से चलाएं, आपका जो टमाटर है वो पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसके बाद इसके अंदर वाटर डाल दें और इसको 1 मिनट के लिए और चलाएं। और फिर आप उसके ऊपर लिड रख दें आप। उसके बाद आप लिड को हटा दें। लिड को हटाने के बाद इसको 3-4 मिनट और चलाएं। चलाने के बाद आप इसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल दें और कोकोनट मिल्क डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए कुक करें। इसके बाद आपका ओबरजीन करी विद आलू रेडी है। इसको आप रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं।